अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद आसिफ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियो लेके आपके पेशे कदम में हाजिर होता रहता हूं। तो अगर मेरे न्यू अपडेट्स और वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि टू वे स्विच के साथ टू फाइन डिमर की वायरिंग किस तरह से की जाती है। आज इस वीडियो को हम डायग्राम पे आपको समझाएंगे, तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जिसमें हमारे पास दो फाइन डिमर, दो टू वे स्विच, एक पंखा और एक सिंगल पोल ब्रेकर हमने लगाया है। इसके साथ हम आपको वायरिंग करके समझाएंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने टू वे स्विच से पहले वाले फैन डिमर को आपस में कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से एक वायर रेड कलर की लेके आपने कनेक्ट कर देना है। फिर फैन डिमर के जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उससे हमने एक वायर लेके दूसरे वाले जो टू वे बटन है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर देना है। एक वायर ऊपर वाले टर्मिनल में हमने इस तरीके से कनेक्ट कर देनी है, लगा देनी है। अब किसी भी कलर की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रेड कलर की वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आगे वाला जो प्रोसीजर है हमारा, तो जो हमारा इस तरफ का एक और फैन डिमर है इसको हमने टू वे बटन के साथ कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले इसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेके इस तरफ के टू वे बटन में हमने नीचे वाले सबसे नीचे वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से एक वायर रेड कलर की लेके हमने नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद फैन डिमर के नीचे वाले टर्मिनल को हमने एक रेड कलर की वायर लेके दूसरे जो है टू वे बटन उसके नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने ये वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां तक हमारे फैन डिमर और टू वे बटन के कनेक्शन मुकम्मल हुए। अब हमें इसमें हमें पंखे की तारे को लगाना है। तो वो कहां कहां लगानी वो भी आपको बताता हूँ। तो हमने एक रेड कलर की वायर लेके पंखे से और इस वाले इस तरफ वाले टू वे बटन के दरमियान वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर देनी है एक रेड कलर की वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने रेड कलर की वायर को कनेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से एक वायर ली और इस तरफ के टू वे बटन में हमने दरमियान वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दी। तो यहाँ तक हमारे पंखा, फैन डिमर और टू वे बटन के कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब इसमें हमने न्यूट्रल और फेस को ऐड करना है, ठीक है। न्यूट्रल और फेस को कहाँ ऐड करना है ये भी आपको बताते चलता है हूं। एक रेड कलर के वायर को लेके इस तरफ के टू वे बटन के दरमियान वाले टर्मिनल से लगा के ब्रेकर के हमने एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देनी है। कुछ इस तरीके से हमने एक वायर ली रेड कलर की और ब्रेकर में कनेक्ट कर दी। और न्यूट्रल को डायरेक्टली पंखे से हमने डायरेक्टली पंखे से लेके ब्रेकर में कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आखिर में हम ब्रेकर में न्यूट्रल और स्पेस को ऐड करते हैं। तो आपका सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत जबरदस्त लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, न्यू अपडेट में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।